नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोग दोस्तों आपके अपने ऑनलाइन स्टूडियो टारगेट ऑन में। मैं आर कुमार, आशा करता हूँ एजीटीए के सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। साथियों, आज मैं ऐसा अवांछित टॉपिक आपके बीच छेड़ूंगा जो कि वास्तव में हमारे लिए अवांछित भी है और अवांछनीय भी है, लेकिन यह अवांछनीय कारक हमारे दैनिक जीवन में या हमारे फसलों के लिए काफी हानिकारक होता है। तो यह अवांछित कारक क्या है, इसको हम क्या कहेंगे? साथियों, इसको हम कहते हैं खरपतवार, इसको हम कहते हैं वीड। तो आज देखिए, हम लोग खरपतवारों की शुरुआत कर रहे हैं, खरपतवारों के विषय में बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, खरपतवार क्या होता है, इसका काम क्या है और क्यों आखिर इसको हम अवांछित कहते हैं, क्यों आखिर हम इसको नहीं चाहते हैं। ओके ना साथियों, आप देखिए, हम कोई फसलें उगाते हैं, तो फसलों में अंकुरण हो ना हो, फसलें उगे ना उगे, लेकिन उसके साथ साथ ये जो खरपतवार है ये जरूर उगता है। और कहीं ना कहीं ये आप समझ लीजिए कि ये ऐसा कारक होता है जो हमारी मुख्य फसलों को, मुख्य फसलों के पोषण को, उनके न्यूट्रिशन को खींच लेता है, उनसे छीन लेता है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपकी रोटी में दो, अगर आपकी थाली में तीन रोटी है और ये तीन रोटी आपके लिए विशेष है, लेकिन कोई अवांछित, कोई अजनबी अगर व्यक्ति आपके साथ आके बैठ जाएगा तो जाहिर सी बात है आपको रोटी उससे शेयर करनी पड़ेगी। यही हाल होता है। मान लो हमने कोई फसल उगाई, अब उस फसल के लिए जो हमारी मिट्टी में तत्व है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो उसके दोस्तों जो उसके वाटर है ना, तो ये सभी उस मुख्य फसल के लिए होती हैं। लेकिन उस मुख्य फसल के साथ क्या हुआ, खरपतवार उग गया। अब मुख्य फसलों के साथ साथ खरपतवार भी क्या कर रहा है, वह भी पोषक तत्व ले रहा है, वह भी पानी ले रहा है, तो जाहिर सी बात है वो हमारे फसल के हिस्से का तो खा ही जा रहा है। तो दोस्तों, इसी को हम देखो खरपतवार कहेंगे। एक्चुअली में क्या होता है खरपतवार, आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहां हम कहते हैं कि देखो ये अवांछनीय पौधे हैं जो बिना बोए उगते हैं तथा जिनकी उपस्थिति किसान के लिए हानिकारक होती है। अब देखो कितनी अच्छी बात है, मतलब ये अवांछित पौधे जिनको हम नहीं चाहते हैं, जिनको हम नहीं चाहते उगे, लेकिन तब भी बिना बोए उग जाते हैं। ये अवांछित पौधे हैं जो बिना बोए उग जाते हैं, और किसान अगर ये उग गए हैं तो फिर किसानों को निराई गुड़ाई वीड कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात, इसमें किसानों का समय खराब होगा और साथ ही उनको आर्थिक चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा। तो यहां पर जो यह खरपतवार होता है, किसी भी दृष्टिकोण से किसानों के लिए अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। अब इसके जनक कौन है साथियों? इसके जनक है जथुटुल। तो सबसे पहले इन्होंने ही खरपतवार की खोज करी है, इसका शब्द दोस्तों दिया कि हाँ भाई वीड क्या है, वीड शब्द सबसे पहले साथियों इन्होंने दिया था। अच्छा, इनके द्वारा एक शब्द और दिया गया, आप जानते होंगे, जिसको हम कहते हैं साथियों टीलेज। दोस्तों, जो टीलेज शब्द है वह भी इन्होंने ही प्रस्तुत किया है और यह भी आप जानते रहे। तो यह दोस्तों शब्द भी इन्होंने दिया हुआ है। अब जो भी खरपतवार हमारे खेतों में उगते हैं, उन सभी खरपतवारों से हमारे खेतों में कितना लॉस होता है या किसानों को कितने साथियों कितनी आर्थिक हानि होती है, यहां देखेंगे किसानों को कुल 25 से 30% साथियों आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो बहुत अधिक मात्रा में आर्थिक हानि होती है किसानों को, ये बात आप जानते रहो साथियों। यहां 25 से 30% हानि होती है किसानों को इन अवांछित पौधों के उग जाने से, आप समझ सकते हैं ना। तो खरपतवार केवल यूं ही नहीं होता है, बस उग गया नहीं, ये बड़ा हानि पहुंचाता है भाई, ये बहुत नुकसान करता है, ठीक है ना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए खरपतवारों का वर्गीकरण, यानी कैसे इनको हम क्लासिफाई करते हैं, कैसे इनको बांटते हैं हम अलग अलग भागों में, ठीक है ना, क्योंकि इनके कई सारे दोस्तों करेक्टर्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कैसे इनका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले है उगने के आधार पर साथियों, उगने के आधार पर, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए एक आपका विकल्पी खरपतवार साथियों और एक आपका देखिए अविकल्पी खरपतवार होता है। तो जो विकल्पी खरपतवार वो क्या होते हैं, तो कहेंगे ऐसे खरपतवार जो खेती के साथ साथ जंगलों में भी उगते हैं, मतलब ये ऐसे वीड्स होते हैं जो हमारे खेतों में तो उगते ही उगते हैं, जंगल में भी दिखाई पड़ते हैं, तो इनको हम कहते हैं साथियों ये विकल्पी होते हैं।
लेकिन ध्यान देना भाई दोस्तों, ध्यान देना आप लोग, इनका कोई जंगली स्वरूप नहीं मिलता है। अब खेतों में जब उगते हैं ना, तो कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि जंगली होते हैं साथियों, ऐसा नहीं होता है ना। देखिए दोस्तों, कहेंगे कि इनका कोई जंगली स्वरूप दोस्तों नहीं होता। जैसे क्या दोस्तों, एनागेलिस होता है, बथुआ साथ हिरनखुरी है, ये देखो जंगल में भी तो उगते उगते हैं और साथ ही साथ हमारे खेत में उगते हैं। तो एनागेलिस दोस्तों होता है, बथुआ है, हिरनखुरी है। उसके बाद देखिए यहां पर एक होता है आपका आग विकल्पी खरपतवार। दोस्तों यहां पर देखिए जो आपका होता है अविकल्पी, इनकी विशेषता यह होती कि ये केवल और केवल जंगल में उगते हैं। जैसे आप देखिए यहां पर सत्यानाशी दोस्तों, इसको हम साथियों इसको आप जानते होंगे, इसको हम कहते हैं भड़भड़वा। तो साथियों इसकी पत्तियों में भी, इसके फल में भी, इसके तने में हर जगह कांटे होते हैं, आप जानते हैं इसके बारे में। आप लोग इसका बोटेनिकल नाम मैसेज करिएगा कमेंट बॉक्स में। यूफोर्बिया और हिरटा दोस्तों, यहां पर देखो सत्यानाशी है, यूफोर्बिया है और हिरटा है। ये ऐसे खरपतवार होते हैं जो केवल जंगल में उगते हैं, तो इनको हम अविकल्पीय कहते हैं। बाकी आप देखिए जो जंगल में उगते हैं और साथ साथ हमारे खेतों में भी उगते हैं, उनको हम विकल्पीय खरपतवार कहते हैं। साथ ही इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण, यानी लाइफ साइकिल के बेस्ट पर यहां पर हम खरपतवारों को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय, मतलब ऐसा खरपतवार जिसका जीवन काल केवल एक वर्ष का हो या एक ही सीजन का हो, साथ ही एक ही जो है समय का हो, है ना, तो उसको बोलेंगे एक खरपतवार। और ऐसा खरपतवार जो अपना पूरा जीवन काल दो वर्ष में पूरा करेगा, उसको हम कहेंगे द्विवर्षीय खरपतवार। और ऐसे खरपतवार जो अपना जीवन काल कई सालों में पूरा करते हैं, साथ ही उसको हम कहते हैं बहुवर्षीय खरपतवार। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, कांच है, जंगली चौलाई है, लटजीरा है, सत्यानाशी है, प्याजी दोस्तों, बथुआ है, हिरनखुरी और कृष्णनील। तो ये जितने भी आप यहां पर नाम पढ़ पा रहे, कांच, जंगली चौलाई, लटजीरा, सत्यानाशी, प्याजी, साथियों खरबथुआ है, हिरनखुरी और कृष्णनील, ये सभी अपना जीवन काल एक ही वर्ष में पूरा कर लेते हैं दोस्तों। इनको साथियों क्या बोलेंगे दोस्तों, इनको हम कहते हैं दोस्तों, यह क्या होते हैं, यह देखिए आपके, इनको हम कहेंगे एक वर्षीय। बाकी यहां द्विवर्षीय, तो द्विवर्षीय में जंगली गाजर है, जंगली गोभी दोस्तों, कासनी, जंगली गाजर, जंगली गोभी और कासनी, ये अपना जीवन काल दो वर्ष में पूरा करते हैं। या क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एक वर्षीय खरपतवार है, तो आपको वहां पर आंसर देना पड़ेगा भाई। देखो यहां पर कांच, साथ जंगली चौलाई, लटजीरा, सत्यानाशी, प्याजी, खरपतवा, हिरनखुरी और कृष्णनील होता है। इसके बाद देखिए बहुवर्षीय, जो अपना जीवन काल साथियों बहुत, मतलब एक से अधिक वर्ष पूरा करे, यह झड़बेरी आपका है, झड़बेरी और मोथा। तो देखो मोथा और झड़बेरी को जब देखोगे ना, तो अगर कहीं लगाए मोथा ना जड़बेरी, तो कई साल तक मतलब उसमें फल फूल मतलब सब आते रहते हैं, ये बात ध्यान देना। तो ये हो गया जीवन चक्र के आधार पर बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। और साथ ही हमने दो पॉइंट पढ़ा है, एक दूसरा पढ़ा हुआ है यहां पर, देखिए उगने के आधार पर, एक पढ़ा लाइफ साइकिल के आधार पर। आगे मेजबान खरपतवार, साथी वो ऐसे खरपतवार जो दोस्तों किसी अन्य पौधे के ऊपर आकर के रह जाते हैं, कोई अन्य मुख्य पौधा है और साथियों आकर के उसके ऊपर सट जाएंगे और फिर उसी के ऊपर अपना जीवन यापन पूरा करते थे। आप इसको जानते होंगे, मतलब किसी मुख्य पौधे के ऊपर आकर के ये रुक जाते हैं और उसी पर अपना जीवन काल ये पूरा करेंगे। जैसे आपका होता है पूर्णतः परजीवी अमरबेल, जिसको दोस्तों हम कहते हैं रिचगा। जो अमरबेल साथियों होता है ये तने पर होता है साथियों, ये पूर्ण रूप से दुखा ये तने पर ही रहता है और उसी पर रह जाता है और उसी पर अपना जीवन काल पूरा कर लेता है दोस्तों। इसका देखिए दिया है आठ तना परजीवी लोरेंथस, साथियों लोरेंथस जो है दोस्तों, ये देखिए यहां पर, ये देखो आम में साथियों, ये आम में होता है। इसको आप देखोगे ना तो ये आम में आपको दिखाई पड़ेगा, ये मतलब आम पे रहता है और अपना पूरा जीवन काल इसी आम पर साथियों पूरा करता है। देखो ये ऐसा साथियों इस तरह से होता है। आगे दिया हुआ साथियों पूर्ण परजीवी ओरो बैंकी, ये सरसों में होती है साथियों और ये होती है सोलनेसी कुल में, तो सरसों में होगी साथियों और होती है सोलनेसी कुल में। ये क्या देखिए ओरो बैंकी, ये जड़ों साथी जड़ों पर होता है। आगे दिया हुआ है और जड़ परजीवी स्ट्राइगा, साथियों स्ट्राइगा दोस्तों यहां देखिए, तो स्ट्राइगा ज्वार और गन्ने में साथियों होता है, ठीक है ना। देखो ऐसे दोस्तों यहां पर साथियों ऐसे होगा स्ट्राइगा, ये कहां होता है ज्वार और साथियों गन्ने में होता है,
जो स्ट्राइगा होता है जिसको लपेटनी बोलते हैं, आप देखते हो गन्ना होता है, गन्ने के खेतों में लपेटनी आपको बहुत देखने को मिलती है। वो दरअसल स्ट्राइगा होता है, ज्वार और गन्ने में होता है, वह उसके तने को पत्तियों को लपेटता रहता है। तो ये सब भी खरपतवार होते हैं जो साथियों किसी मेजबान के ऊपर रहते हैं, उस पर दोस्तों रहते हैं और उससे अपना जीवन यापन साथियों पूरा करते हैं, तो उनको हम कैसा कहते हैं, मेजबान खरपतवार। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए इसके बाद देखिए बीज पत्र के आधार पर ऐसे खरपतवार जिनके बीज पत्रों की बनावट अलग अलग होती है। तो इसमें कुछ आपके होंगे मोनोकॉट और कुछ डाइकॉट होते हैं। जैसे हम लोग जब फसलें पढ़ते हैं तो फसलों में हम पढ़ेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट, मतलब एक बीज पत्री फसलें और साथियों द्विबीजपत्री फसलें। कहते हैं ऐसी फसलें जिनके बीजों को खोलने पर केवल एक भाग निकलता है और शुरुआत में केवल अंकुरण में केवल एक ही पत्ती निकलेगी, तो ऐसे बीजों को हम कहेंगे एक बीजपत्री। और ऐसे पौधे जिनके बीजों को खोलने पर साथियों उसके कई भाग निकल दो भाग निकलते हैं, बथुआ और हिरणखोज दोस्तों मकोए, तो जिनके दो भाग निकलते हैं उनको हम कहते हैं द्विबीजपत्री। ओके ना, तो देखो एक बीजपत्री में प्याजी है, गेहूं सा जिसको बोलते गेहूं का मामा, साथियों हिरणखुरी है, देखो दोस्तों कांश है और बरू है। तो प्याजी है, गेहूं सा है, हिरणखुरी दोस्तों कांश और बरू है, ये सब एक बीज पत्री होते हैं। लेकिन यहां पर देखिए जो आपका द्विबीज पत्री है, जैसे कि बथुआ, बथुआ तो गेहूं होता है, हाँ बथुआ हो गया है, हिरणखुरी साथियों मकोए हो गई है। तो देखो हिरणखुरी, बथुआ और मकोई ये द्विबीजपत्री होते हैं, इनके बीजों को खोलने पर उनके दो भाग निकलते हैं। तो ये तो हो गया बेस्ड ऑन साथियों यहां पर देखिए बीज पत्र। इसके बाद पत्तियों की बनावट, ये सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनता है कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशी और साथियों पतली पत्ती वाले खरपतवार नाशी। यहां देखो पत्तियों की बनावट के आधार पर कहेंगे एक होता है चौड़ी पत्ती वाला, जिसमें आपका आएगा कृष्णनील, हिरणखुरी, मकोए, सत्यानाशी, चौलाई, धतूरा। ये देखो ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों का आकार चौड़ा होता है, और जब चौड़ा होता है तो इनको नियंत्रित कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, काफी कठिनाई दोस्तों होती है इसको कंट्रोल करने में। तो कृष्णनील है, हिरणखुरी है, मकोए साथियों दोस्तों या सतासी है, और चौलाई दोस्तों धतूरा, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं आपके चौड़ी पत्ती वाले। दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे दूब घास, ओके दूब घास है, मोथा है, प्याजी और सावा, दूब घास है, मोथा है, प्याजी और सावा है, तो ये इनको हम कहते हैं सकरी पत्ती वाले, मतलब इनकी पत्तियां पतली होती हैं, हालांकि नियंत्रित करने में दोनों को उतना ही समय लगता है, ये बात ध्यान देना आप सभी लोग। दोस्तों इसके बाद देखिए आप लोग नेक्स्ट साथियों, नेक्स्ट देखिए कुछ और होता है जो मतलब यहां पर देखिए यह भी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। जैसे साथियों यहां पर देखेंगे आप सभी लोग दिया निरपेक्ष खरपतवार, साथियों निरपेक्ष का मतलब होता है कि जो मुख्य फसलों के साथ साथ उगे उनको हम कहते हैं निरपेक्ष खरपतवार। जैसे गेहूं के साथ धान उगना, अब देखो दोस्तों अब अगर मान लीजिए हमने गेहूं की फसल ली हुई है तो जाहिर सी बात उसमें गेहूं के पौधे ही होंगे, लेकिन अगर दो चार दस पंद्रह बीस धान के पौधे लग गए हैं, इसका मतलब वो जो धान के पौधे उग रहे हैं वो खरपतवार हैं उसके लिए, क्योंकि मुख्य फसल के वो अवांछित होंगे ना, उनको हम नहीं चाहते हैं कि धान उगे। जब जो धान उगा है गेहूं के साथ, जो गेहूं उगा है धान के साथ, तो वह निरपेक्ष होगा दोस्तों, वह खरपतवार बनाता है। साथियों एक होता है सापेक्ष खरपतवार, जो अपनी विशेषता से ही क्या है दोस्तों खरपतवार होता है। अब यहां जो मोथा है, मोथा चाहे कभी उगे, चाहे साथियों कभी उगे, चाहे वो निरपेक्ष में जो है चाहे उगे, चाहे मिट्टी के, चाहे मतलब खेत में, चाहे जंगल में, साथियों इसको हमेशा हम खरपतवार ही बोलेंगे। ओके दोस्तों, यह अपनी विशेषता से ही क्या है खरपतवार है, इसका कोई भी मेरिट्स नहीं है, इसका कोई भी लाभ नहीं है। दोस्तों एक होता है नकलची खरपतवार, नकलची खरपतवार देखिए ये ऐसे खरपतवार होते हैं जो मुख्य फसल को कॉपी करते हैं, यानी ऐसे खरपतवार जिनको देखने में जिनकी एनाटॉमी बिल्कुल मुख्य फसल से मिलती है, आप कहेंगे कि यह भाई मुख्य फसल ही है, जब तक कि उनकी उनका पौधा सही से ग्रो ना कर पाए, जब प्लांट्स पूरा ग्रो कर देता है तो हम जान पाते हैं। तो साथियों इसमें कहेंगे कि ऐसे खरपतवार जो वाह आकार की में मुख्य फसल से मिलते जुलते हो, जैसे गेहूं में गेहूं सा, गेहूं का मामा,
धान में जंगली धान, ये बिल्कुल एज इट इज जैसे प्लांट, जैसे मुख्य आपकी फसल होगी वैसे ही होते हैं दोस्तों। आगे देखिए कहेंगे अनिष्टकारी खरपतवार। साथियों अब देखिए, अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि दोस्तों इसमें हम किसको लाएंगे। साथियों इसमें हम लाएंगे अनिष्टकारी, ओके ना, ये जिनका नियंत्रण कर पाना कठिन कानून द्वारा साथियों क्या होता है, अवांछनीय होता है। साथियों अब यहां पर देखिए, यहां दोस्त देखिए, अब देखो इनको हमें खत्म करना ही करना है दोस्तों, इनको हमें खत्म करना ही करना है दोस्तों। ये अनिष्टकारी होते हैं जिनका नियंत्रण कर पाना कठिन कानून द्वारा अवांछनीय हो, कि मतलब इनको खत्म करना ही, बच ना पाए आपके यहां, इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों। यहां पर कहेंगे देखिए साथियों, यहां होता है आपका लेंटाना कैमरा दोस्तों, लेंटाना कैमरा साथियों, देखिए लेंटाना कैमरा साथियों। इसके बाद कहेंगे देखिए साइप्रस प्रोटेंडस, साइनोडोन, डक्टाइलोन और साथियों पार्थेनियन हिस्टम। तो यहां पर देखिए इनको समाप्त करना ही करना दोस्तों, किसी भी स्थिति में ये ऐसे खरपतवार होते हैं जो बहुत तेज दोस्तों ग्रो करते हैं, बात ध्यान देना आप लोग, बहुत तेज दोस्तों ग्रो करते हैं। तो ये क्या है, अरिष्टकारी होते हैं, ठीक है दोस्तों। लेंटाना कैमरा है, साइप्रस दोस्तों होता है, साइनोडोन होता है, पार्थेनियन होता है, ये सब चीजें ठीक है ना। तो इनको हम कहेंगे अरिष्टकारी खरपतवार दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर देखिए कुछ पॉइंट्स और हैं। खरपतवारों को हमने बहुत भागों में डिवाइड किया है, बीज के द्वारा उगने वाले खरपतवार, जो जिनका अंकुरण सीधे बीजों से होता है, जैसे कि गेहूसा। साथियों गेहूसा जो होता है वह पौधा अपना जीवन काल जब पूर्ण कर लेता है, जो उसके बीज होते हैं ना उसी खेत में गिर जाते हैं और फिर जो है वो समय आने पर उगते दोस्तों। यह गेहूसा है, प्याजी है, जंगली गाजर है दोस्तों, जंगली धान होता है, ये ऐसे पौधे होते हैं जिनका अंकुर सीधे बीज से होता है। इसके बाद देखो दिया है वनस्पति भाग से, यानी ऐसे खरपतवार जो पौधों के किसी न किसी विशेष भाग से उगे, जो पौधों के किसी न किसी विशेष भाग, जैसे जड़ से, तने से दोस्तों, अन्य भागों से, जैसे आपका जड़ द्वारा, जड़ों के माध्यम से, जो जड़े होती है, जो गांठे होती है साथियों, उनके माध्यम से उगता है हिरणखुरी। ये ऐसा खरपतवार है जो जड़ द्वारा उग जाता है, तो कितनी बड़ी बात है। राइजोम द्वारा, राइजोम एक तना होता है जिसमें हल्दी को हम शामिल करते हैं, और देखो यही से राइजोम के द्वारा ही टाइगर घास है साथियों, बरमूडा घास है, जॉनसन घास है। तो टाइगर ग्रास, बरमूडा ग्रास और जॉनसन ग्रास, ये ऐसी ग्रासेस होती हैं जो राइजोम से उगती है साथियों। देखो ऑफसेट दोस्तों, ऑफसेट एक तना होता है जिसको हम कहते हैं अर्धवायु तना, सब एरियल स्टेम होता है, और ऑफसेट के थ्रू देखो जल कुंभी उगती है, जो पानी में होती है वह दोस्तों तने से उग जाती है, तने से ही दोस्तों। आगे सकर्स दिया है, सकर्स दोस्तों यह क्या होता है, यह भी अर्धवायु तना ही होता है। जो सकर्स होते हैं, सकर्स प्लांट हमेशा तने से ग्रो करते हैं, जैसे दूब घास, कंद द्वारा, कंद मतलब सारी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेम। तो कंद के माध्यम से पर्पल नट से उगता है दोस्तों, पत्ती के माध्यम से पत्थर चट्टा उगता है। तो यहां देखो ये ऐसे पौधे हैं जो पौधे, ऐसे खरपतवार है जो प्लांट के ही अलग अलग हिस्से से बनते हैं। तो कोई जड़ से बन रहा है, कोई राइजोम से बन रहा है, कोई ऑफसेट से बन रहा है साथियों, कोई सकर से, कोई कंद से बन रहा है, कोई पत्ती से बन रहा है। तो पत्ती से क्या बना, पत्थर चट्टा दोस्तों, कंद से पर्पल नट बना, और सकर से दूब घास, ऑफसेट से जलकुंभी, राइजोम से दोस्तों टाइगर घास, बरमूडा घास और जॉनसन घास, और देखिए जड़ से हिरणखुरी बन गई है। तो ये पौधे के अलग अलग पार्ट से ये खरपतवार उगते हैं, इनको आप जानते रहो, ओके दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अब यहां देखिए इन सबको देखो, दिखाया मैंने दोस्तों, यहां पर देखिए ये आपकी दूब घास आती हूं, ये देखिए ठीक है ना, ये सभी है खरपतवार, ठीक है। चलिए अब दोस्तों प्रमुख फसलों के खरपतवार, यानी कुछ फसलें विशेष हैं और उन विशेष फसलों में कौन कौन से खरपतवार उगते हैं। देखो यहां से एक क्वेश्चन पक्का आप लोगों का है, गेहूं साथियों, जो गेहूं है, गेहूं में आप देखेंगे गेहूसा होता है जिसको हम कहते हैं फेलरिस माइनर दोस्तों। यहां पर देखिए इस प्रकार का इसका दोस्तों प्लांट होता है, ये वाला देखिए, ये देखिए होता है गेहूसा, इसको बोलते हैं गेहूं का मामा, फेलरिस माइनर। साथ ही यहां पर देखिए कॉर्नवुलस ऑर्वेंसिस, कॉर्नवुलस ऑर्वेंसिस दोस्तों, याद रखिए ये वाला होता है। तो यह भी हम देखते हैं कि साथ ही जो मटर होती है, गेहूं होता है, चना है, उन सब फसलों में हमें ये देखने को मिलता है बहुतायत,
इसको हम कहते हैं कॉनवोल्वुल्स ऑरवेंसिस। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए आगे, यहां दिया चावल में, साथियों चावल में इसको बोलते हैं जंगली धान, ये उगता है, यहां पर देखो ये है जंगली धान, ये उगता है चावल की फसल में और तब तक इसको जान नहीं पाते जब तक इसका प्लांट बड़ा ना हो जाए। दोस्तों यहां पर उगता है इकाइनोक्लोवा स्पीसीज, बर्नयार्ड घास, सावा घास, साथियों सावक। तो देखो इसको हम सावा, दोस्तों ये आपका दोस्तों क्या है, ये होता है सावा, सावा घास होती है घास दोस्तों, साथियों इसको हम दोस्त क्या कहते हैं, इसको जंगली धान बोलते हैं। इसके बाद देखिए दिया हुआ है सरसों, साथियों जो सरसों होती है, सरसों के खेती में आपको दो तीन प्लांट्स जो है वो बड़े ही कॉमन दिखते हैं, जैसे आर्जीमोन साथियों, तो आर्जीमोन मैक्सिकाना जिसको बोलते हैं सत्यानाशी, यह जरूर उगता है सरसों में, सरसों में पहले से या बाद में दोस्तों। तो आर्जीमोन मैक्सिकाना जिसको हम बोलते हैं भड़भड़वा, इसको बोलते छिटछिटा, इसके इसके पत्ती पर, फल पर, तने पर, हर स्थान पर कांटे लगे होते दोस्तों, तो इसको हम कहते हैं आर्जीमोन मैक्सिकाना, ये सरसों में उगता है। इसके बाद एनागेलिस आर्वेंसिस जिसको बोलते हैं कृष्णनील, तो एनागेलिस आर्वेंसिस साथियों जिसको बोलते कृष्णनील, इसको आप देखोगे ना ये कहां उगता है दोस्तों, यह उगता है सरसों में, इसको हम कहते हैं कृष्णनील, इसको आप ध्यान देना। इसके बाद दोस्तों इसके बाद देखिए आप लोग नेक्स्ट दिया है बरसीम साथियों, तो बरसीम में कौन सी घास उगती है, तो बरसीम के साथ जो उगने वाली प्रमुख घास है उसको कहते हैं कासनी, चिकोरियम इंटिप्स, तो चिकोरियम इंटिप्स होती है, कासनी होती है, ये बरसीम की फसल साथ उगती है दोस्तों। जीरा देखो, जो जीरा होता है, जीरे जीरा में जीरे के समान जीरी होती है प्लांटेगो प्यूमिला, तो यह उगता है प्लांटेगो प्यूमिला दोस्तों, उगता है जीरा के साथ, इसका नाम, इसको हम जीरी बोलते हैं प्लांटेगो प्यूमिला। तो क्वेश्चन आएगा कि प्लांटेगो प्यूमिला ये किस में उगता है, तो आप कहेंगे जीरा में उगता है, जीरे की मुख्य फसल में। लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज में अगर देखा जाए तो यहां देखिए प्याजी साथियों, जो प्याजी होती है लहसुन और प्याज जैसे ही दिखती है इसकी पत्तियां, तो स्पोडेलस दोस्तों टेनुफोलियस, तो स्पोडेलस टेनुफोलियस साथियों इसको हम कहते हैं प्याजी, ये उगता है लहसुन और प्याज में। दोस्तों आगे देखिए दिया मक्का साथियों, मक्का में उगता है सावक, सावक सावक को दोस्तों बोलते हैं सावा, तो ये सावा जैसे होता है, आगे उगता है मकरा साथियों, मकरा को रागी बोलते हैं, मकरा को ही रागी बोलते हैं, जो मकरा होता है, हालांकि आजकल इसको प्रमोट कर रहे हैं लोग सीरियल के रूप में दोस्तों, जो सावक और मकरा है ये उगता है मक्के की फसल में। गन्ना दोस्तों, गन्ने में क्या उगता है, देखो गन्ने में दूब घास है, कृष्णनील है, हिरनखुरी है, साथियों सतासी है, काशनी, मकोर है, मोथा है, क्योंकि जो गन्ना होता है ये पौधा लंबा होता है, तो गन्ने के, गन्ने की फसल में कुछ पौधे साथियों बड़े बड़े होते वो उगते हैं, तो यहां दूब घास देखो दोस्तों, क्रीपर होता है, कृष्णनील हो गई, हिरनखुरी साथियों सतासी हो गई है, काशनी है, मकोर है और मोथा है, ये सब गन्ने में उगते हैं। दिया है मटर और चना साथियों, इसमें देखिए सेंजी उगती है, बथुआ है, मटरी दोस्तों, मटरी है और कृष्णनील है, सेंजी, बथुआ, मटरी और कृष्णनील ये हमें देखने को मिलते हैं मटर में और साथियों चना में। दोस्तों आगे देखिए दिया है खरपतवार का उत्पत्ति स्थान, प्रमुख ऐसे खरपतवार हैं जिनका उत्पत्ति स्थान क्या है, जिनको हमने सबसे पहले तो कहां देखा हुआ है, तो यहां पर देखिए साथियों पहला पॉइंट है खरपतवार और उत्पत्ति स्थान साथियों, पहला है ओरोबैंकी, तो ओरोबैंकी कहां उगता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, तो ओरोबैंकी एक ऐसा खरपतवार है जो साथियों यूरोप में उगता है, सबसे पहले साथियों वहीं से आया हुआ है दोस्तों, यूरोप से। ओके दोस्तों ओरोबैंकी। आगे दिया है बरू घास, इसको हम कहते हैं सोरथम हेलेम्पेस हेलेपेंस, तो सोरथम सोरघम हेलेपेंस दोस्तों यह कहां पर, दक्षिणी यूरोप दोस्तों और एशिया में। ओके ना, गोखरू साथियों, गोखरू हालांकि देखो एक जो इसको घास हम बोलते हैं, लेकिन साथियों बड़ा इसका बेनिफिट होता है, इसका मतलब औषधि है ये, तो ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस है, ये भी यूरोप में, दक्षिणी यूरोप में दोस्तों। आगे दोस्तों दूधी है, यूफोर्बिया हिर्सुटा, तो यह भी यूरोप से आई हुई है दूधी। नागफनी नेपेंथस घासियाना, ये अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान साथियों। आगे देखे दिया हुआ है यहां पर सिरसियम आर्वेंसिस यूरोप में, फेलरिस माइनर साथियों अमेरिका में। जितने प्लांट्स आप देख रहे हैं, जितने वीड, ये सारे वीड जो हैं कहां ग्रो कर चुके हैं दोस्तों, ये सभी जो वीड हैं ये आए हुए हैं
कहीं यूरोप से साथियों, कहीं दक्षिणी यूरोप से, कहीं अमेरिका से आए हुए हैं, ठीक है ना। और बैंक की आपका देखो यूरोप दोस्तों, बरू घास दोस्तों एशिया और यूरोप से है, गोखरू आप देखो यूरोप से, दूधी यूरोप दोस्तों, यहाँ पर नागफनी अमेरिका, साथियों आर्वेंसिस यूरोप और फिलिस माइनर 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 दोस्तों, ये कहाँ दोस्तों, यह भी जो है अमेरिका से आया हुआ है। ये सभी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इनके बारे में कि इनका ओरिजिन प्लेसेस कहां कहां पर है। दोस्तों आगे देखिए सभी लोग, हिरनखोरी दोस्तों यूरेशिया है, और मोथा यूरेशिया है, लेंटाना दोस्तों मैक्सिका मैक्सिको है दोस्तों, ये कहां दोस्तों मैक्सिको है। देखो ये अलग अलग वीड है जिनका उत्पत्ति स्थान आपके सामने यहां पर दिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप देखिए हम बात करेंगे खरपतवार नाशी कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका इतिहास दोस्तों क्या है, साथियों पहला केमिकल कौन सा दोस्तों बनाया गया था, तो सारे पॉइंट। तो देखो अगर हम बात करें साथियों खरपतवार नाशियों की, तो बहुत सारे पॉइंट देखो इसमें बनते हैं और सारे पॉइंट्स आप पढ़ते रहेंगे, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले दिया हुआ है संपूर्ण किसी इतिहास में पहला रसायन, पहला वीड कंट्रोलर, पहला केमिकल बोडो मिक्सचर। साथियों बोडो मिक्सचर 1896 में, 1896 में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था बोडो मिक्सचर दोस्तों। इसमें देखिए पानी, कॉपर सल्फेट और हाइड्रेट लेमन, साथियों हाइड्रेट जो है लाइम साथी होता है, तो पानी है, कॉपर सल्फेट और हाइड्रेट लाइम होता है, इसको मिला करके बोडो मिक्सचर हम तैयार करते हैं। तो कॉपर सल्फेट, पानी और हाइड्रेट चूना, ठीक है ना, 1896 में इसको बनाया गया दोस्तों। 2,4-D का सबसे पहले प्रयोग कहां हुआ दोस्तों, तो 2,4-D 2,4 ड्राई क्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड इसका नाम है, इसका सबसे पहली बार प्रयोग यूएसए में 1944 में हुआ दोस्तों। तो 1944 में सबसे पहले इसका इस्तेमाल हुआ था यूएसए में 2,4-D का, तो जाहिर सी बात वहां इसको बनाया गया होगा। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान कहां पर है, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान यह पड़ता है जबलपुर में, मध्य प्रदेश में, महत्वपूर्ण है भाई। भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक वीड कंट्रोल चाय और कॉफी में इस्तेमाल होते हैं भाई, सबसे अधिक खरपतवार नाशी कहां पर होते हैं, चाय और कॉफी में इस्तेमाल होते हैं दोस्त। इसके बाद कह रहा है 2,4-D का प्रभाव 3-4 सप्ताह में होता है, ध्यान देना दोस्तों। तो यहां पर देखिए 2,4-D होता है, इसका प्रभाव 3-4 सप्ताह मतलब एक जो है माह के आसपास इसका प्रभाव दिखते हैं। गेहूं, मक्का, चना व मूंगफली में खरपतवार अधिकतम दोस्तों होते हैं, कितने होते हैं, 25-30% इसमें होते हैं। सोचिए आप लोग, गेहूं में, मक्का में, तो चना में और मूंगफली में इसमें मैक्सिमम होता है खरपतवार। तो यह जो है इतिहास है इनका, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखो साथियों कितने प्रकार दोस्तों ये होते हैं, देखो जिस जो साथियों यहां पर आप देख रहे हो खरपतवार, साथियों दो प्रकार के होते हैं, सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव, वर्णात्मक दोस्तों और एक होते हैं अवर्णात्मक। कहेंगे कि जो सिलेक्टिव होते हैं वो ऐसे खरपतवार हैं जो केवल चिन्हित पौधों पर ही काम करेंगे, सब पे काम नहीं करते, यानी कि जिन पौधों को चाहेंगे उन्हीं पौधों को नष्ट करेंगे, केवल चिन्हित पौधों को नष्ट करते हैं। जैसे 2,4-D 2,4-D है, फ्लूकोनिडोस होता है, एट्राजिन दोस्तों स्टाम, F34 है, सिमेजिन है। तो 2,4-D फ्लूकोनिडोस एस्ट्राजिन है दोस्तों, स्टाम F34 है और सिमेजिन है, ये उन्हीं पर काम करेगा जिनको जिनको हम बताएंगे। तो यह विशेष पौधों के लिए होता है, केवल चिन्हित पौधों पर ही काम करता साथियों। इसके बाद देखिए दिया नॉन सिलेक्टिव, तो कहेंगे सभी पौधों को, चाहे वो मुख्य फसल हो, चाहे वो आपका जो है कोई खरपतवार हो, ये सबको नष्ट कर देता भाई। अगर कहीं पर आपको पूर्ण रूप से वीड कंट्रोल करना है तो डेफिनेटली आप इसका इस्तेमाल करो, आपकी मुख्य फसल को भी नष्ट कर देगा दोस्तों। इसके बाद देखिए दिया है साथियों ग्लाइफोसेट, पैराक्वाट, डाइक्वाट, वीड ऑयल। ये देखो ग्लाइफोसेट है, पैराक्वाट दोस्तों, डाइक्वाट दोस्तों और आपका वीड ऑयल, तो ये ऐसे वीड कंट्रोल होते हैं जो पूरे पूरे के पूरे पौधों को, जितने खेत में पौधे हैं, चाहे फसल है चाहे वो खरपतवार हो, वो सबको नष्ट कर देता है। बाकी 2,4-D है, साथियों फ्लूक्रोलिन है,
एट्रोजिन आती हूं, स्टाम F34 है और सिमाजिन है, ये जो है सिलेक्टिव प्लांट्स को ये नष्ट करते हैं। इसके बाद मृदा सक्रिय शाकनाशी साथियों, पत्र सक्रिय शाकनाशी और संपूर्ण शाकनाशी, यहां देखिए एक है मृदा सक्रिय शाकनाशी और इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं साथियों, इनका इस्तेमाल फसल की बुआई के पहले करते हैं। अगर हमें फसल की बुआई करनी है और उस खेत में बहुत खरपतवार हैं तो इनको हम डालते हैं, और साथियों इनके इस्तेमाल से क्या होगा कि 4 से 6 सप्ताह में इनका प्रभाव दिखेगा, और जब प्रभाव शुरू करेंगे तो अपने आप खरपतवार सब नष्ट हो जाते हैं। एलाक्लोर है, ट्राई फ्लोरिन होता है और ईपीटीसी होता है, ये सब देखो ऐसे शाकनाशी होते हैं जो बुआई से पूर्व हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए सक्रिय पत्र सक्रिय शाकनाशी हो केवल खड़ी फसलों में, मतलब ये ऐसे शाकनाशी होते हैं केवल हम खड़ी जो फसलें होती हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तो आपको दिया हुआ है MCPB है, साथियों एमिस्ट्रोल है, हालांकि इनके बारे में क्वेश्चन बहुत कम बनता है। एक होता है संपूर्ण शाकनाशी दोस्तों, ये मृदा को प्रभावित नहीं करते, सॉरी संपर्क शाकनाशी, इनको बोलेंगे संपर्क शाकनाशी, और ये ऐसे शाकनाशी होते हैं ना जो हमारी मिट्टी को प्रभावित नहीं करते हैं। तो मिट्टी को प्रभावित किए बिना ये अपना काम करते हैं, पैराक्वाट, डाइक्वाट और ट्रिब्यूनिन, ये सभी ऐसे शाकनाशी हैं जिनका प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। आगे दिया है स्थानांतरित शाकनाशी, अब इसको हम क्या कहेंगे साथियों, इसमें देखिए साथियों ये ऐसे शाकनाशी होते हैं जो वनस्पतियों का मतलब खरपतवारों का और उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी नियंत्रित करता है। तो साथियों यहां पर देखिए जीवाणु को भी नष्ट करेगा और जो वहां पर वीड होंगे उनको नष्ट करेगा, और इसका प्रभाव मिट्टी में 4 सप्ताह से 2 साल तक रहता दोस्तों, यानी कि 2 साल तक हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे खेत में साथियों खरपतवार नहीं आएंगे। जैसे दिया है एट्राजीन है, सिमाजिन दोस्तों और डाईयूरान है, तो एट्राजीन, सिमाजिन और डाईयूरान यह हमारे खेतों में 24 माह तक प्रभाव डालते रहते हैं। साथियों आगे दिया हो देखिए प्रमुख शाकनाशी, अब यहां पर देखिए मैं बात करूंगा 1 by 1 सबके बारे में। साथियों सबसे पहले दिया है कि यहां पर देखिए पेंडीमेथिलीन सबसे फेमस, साथियों पेंडीमेथिलीन को हम क्या कहते हैं, इसका जो जिसका नाम साथियों है ट्रेड नेम है स्टाम्प, इसको स्टाम्प भी कहते हैं साथियों, स्टाम्प भी कहते हैं, पेंडी गोल्ड कहते हैं, पेंडीडीन उसको कहते हैं, और इसको बोलते हैं धनुटाप, इसको बोलते हैं पेनिडा। तो पेनिडा, धनुटाप, पेंडीडीन और पेंडी गोल्ड साथियों, और इसको बोलते हैं स्टाम्प और पेंडीमेथिलीन का नाम है। अब यहां पर देखिए केमिकल नेम इसका अलग है और जो इसका साथियों व्यापारिक नाम वो अलग है ना। अब इसकी मात्रा कितनी होती है 1000 ग्राम से 1250 ग्राम प्रति हेक्टेयर दोस्तों। तो इसका इस्तेमाल हम बुआई के बाद अंकुरण से पहले करते हैं, अर्थात बुआई के समय ही आप कह सकते हैं कि बुआई के जस्ट बाद और जैसे जैसे अंकुरण निकलता है उस जस्ट पहले। अब फसलें कौन कौन सी, प्याज है, लहसुन है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, आलू है, चुकंदर है, गाजर है, मूली है, धनिया है, मेथी है, जीरा है, सौंफ है, मटर साथी हो गई, चौड़ी पत्ती वाले, वार्षिक खरपतवार लिए। यहां देखिए जितनी फसलें आप देख रहे हैं इन सभी फसलों के लिए पेंडीमेथिलीन का दोस्तों इस्तेमाल करते हैं, और कब, बुआई के जस्ट बाद और अंकुर से पहले। नेक्स्ट साथी यहां पर दिया है फ्लूक्लोरेलिन, तो इसका नाम दोस्तों क्या है, इसका व्यापारिक नाम क्या है, वासालीन साथी उसको बोलते हैं, और इसका इस्तेमाल हम पर हेक्टेयर 1000 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम करते हैं, ये बात ध्यान देना। अब कब करते हैं, इसका जो उपयोग का समय होता है बुआई के जस्ट पहले, जैसे बुआई हम करेंगे किसी फसल की, बुआई के ठीक पहले पहले इसको मिट्टी में हम अच्छे से मिला देंगे, और जब हमने इसको अच्छे से मिट्टी में मिला दिया तो अब ये तैयार हो चुका है, अब ये क्या करेगा, नष्ट करेगा सभी बीज को। जैसे टमाटर है, बैगन साथियों, आलू है, भिंडी है, लहसुन है, प्याज दोस्तों, गाजर है, पालक, चुकंदर, धनिया, सौंफ, जीरा दोस्तों, मिर्ची है, फूल गोभी और पत्ता गोभी है, मटर है, तो इन सब में देखिए इन सभी फसलों के लिए हम क्या करेंगे, फ्लूक्लोरेलिन का इस्तेमाल करते हैं। सकरी और चौड़ी पत्ती वाला कोई वीड हो
दोनों पर यह भली भांति अच्छे से काम करता है। दोस्तों आगे देख लीजिए, आगे दिया है ऑक्सीक्लोरोफेन, इसको हम आल्टो बोलते हैं, गोल दोस्तों बोलते हैं, और ऑक्सी गोल्ड कहते हैं, तो इसको हम आल्टो बोलेंगे साथियों, गोल बोलेंगे दोस्तों, इसको हम ऑक्सी गोल्ड कहते हैं। अब देखो यहां पर ये ऐसा साथियों, ऐसा जो है शाकनाशी होता है जिसकी मात्रा 200 ग्राम से 300 ग्राम होती है, तो इसकी मात्रा 200 ग्राम से 300 ग्राम साथियों होती है, और इसका उपयोग हम कब करते हैं, देखिए रोपाई या बुआई के 3 दिन के अंदर ही, अगर मान लीजिए हम लोग प्लांटिंग कर रहे हैं तो प्लांटिंग करने के 3 दिन के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और आलू और प्याज में इसका इस्तेमाल दोस्तों मैक्सिमम होता है। घास कुल के सभी पौधों और चौड़ी पत्ती वाले वीड के लिए परफेक्ट साथियों होता है, ये अच्छा होता है ऑक्सीक्लोरोफेन, ओके ना। इसके बाद देखिए दोस्तों आगे होता है ब्यूटाक्लोर, और यह भी काफी फेमस है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटाक्लोर को हम बोलते हैं मचीटी, ये इसी नाम से आता है, मचीटी है, वीडकिल साथ है, वीडकिल टीएस को बोलते हैं, स्ट्रैप है, धानुक्लोर विलक्लोर बोलते हैं, लेकिन मचीटी के नाम से इसका फेमस है, इसका जो इस्तेमाल है हम इसी नाम से करते हैं। मात्रा इसकी है 750 ग्राम से लेकर के 1000 ग्राम पर हेक्टेयर। बुआई जो समय क्या होता है, इसका जो समय होता है इसको उपयोग करने का, बुआई के बाद और अंकुरण से पहले, तो यह भी देखो बुआई के बाद और अंकुरण से पहले ही इसका इस्तेमाल करते हैं। टमाटर है, आलू है, गाजर है साथियों, जो गार्ड वाले प्लांट्स होते हैं दोस्तों उनमें होता है, घास कुल और चौड़ी पत्ती वाले सभी खरपतवार के लिए परफेक्ट होता है साथियों मचीटी। इसके बाद दिया है एलाक्लोर साथियों, एलाक्लोर को हम लासो कहते हैं, लासो का इस्तेमाल तो खूब होता है, तो यहां जो एलाक्लोर है इसको लासो बोलते हैं, और साथ ही उसकी मात्रा होती है वो 1500 ग्राम से लेकर साथियों लगभग 2000 ग्राम होती है। इसका उपयोग बुआई या रोपाई के 3 दिन के अंदर करते हैं, रोपाई हमने साथियों किया है, बुआई हमने किया है, उसके 3 दिन के अंदर करेंगे। फसलें कुकुरबिटेसिन है, बैंगन है, टमाटर है, हरी मिर्च है, मटर उस पर राजमा होता है, लोबिया है, तो घास कुल मोथा एक वर्षीय खरपतवार के लिए यह एलाक्लोर या लासो होता है, यह परफेक्ट काम करता है, अच्छे से काम करता है। इसके बाद दिया दोस्तों 2,4-D, इसको हम बोलते हैं 2,4-D, तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड। अब यहां पर देखिए बहुत प्रमुखता से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, आप लोग कहीं साथियों देखो आप लोग जो है इसके बारे में सबसे अधिक सुनते हैं दोस्तों कि 2,4-D क्या होता है, तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड है ना, तो सबसे पहले यूएसए में इसका इस्तेमाल किया गया था गेहूं, मक्का, बाजरा साथियों इन सभी फसलों के लिए, ये बहुत अच्छा होता है साथियों, इसका इस्तेमाल हम बहुतायत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो साथियों टॉपिक जो है आपका ये था खरपतवार, मैं बहुत जल्दी इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, और आप सब लोगों से इससे बनने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा साथियों। आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है ना, मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्दी एक नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों धन्यवाद। और बाकी देखिए साथियों बैच हमारा रन कर रहा है, डेफिनेटली आपको दोस्तों बैच अगर जुड़ना है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करेंगे साथियों। यहाँ हमारी बैच में आप सभी लोगों को बेहतर कंटेंट मिल रहा है, बेहतर कंटेंट के साथ साथियों शानदार अध्यापन चल रहा है किसी विषय का, ठीक है ना, तो जुड़े हमसे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें साथियों। बाकी देखिए जो मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव हमेशा आपके साथ रहेगा, मैं बताऊंगा आप क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कहां से बनेंगे, और वही सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्दी, सभी को धन्यवाद, सभी को आभार।